हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में समझेंगे हम एक एसे को जो क्लास 10 की इंग्लिश का है। देखिए समझते हैं कैसे लिखा जाएगा एसे और एसे क्या होता है, निबंध होता है। तो इंग्लिश में एसे कैसे लिखते हैं उसको समझिए। देखिए ये एसे है माई हॉबी पर। माई हॉबी का मतलब होता है मेरा शौक, मेरा शौक। तो ये 6 नंबर का आता है एग्जाम में। तो देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं इंग्लिश टू हिंदी में। तो शुरू में आपको जो जो पेपर में मिलेंगे इससे क्लूज मिलेंगे। क्लूज का मतलब होता है दिशा निर्देश या फिर संकेत। तो ये हेडिंग्स मिलेंगे आपको पेपर में। पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है प्रस्तावना या परिचय। दूसरी हेडिंग है व्हाट इज माय हॉबी, मेरा शौक क्या है। अगे है व्हाट बेनिफिट डू, इसका क्या फायदा है, बेनिफिट फायदा है। डू आई गेट फ्रॉम इट, जो इससे हमें प्राप्त होता है। कंक्लूजन, इसका निष्कर्ष क्या आता है, निचोड़ क्या आता है, वो होता है कंक्लूजन। तो देखिए इसका ट्रांसलेशन, इसका देखिए देखिए इसका जो आंसर लिखना है आपको, इसको लिखना है डिस्क्रिप्टिव तरीके से। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है बिना हेडिंग के। तो देखिए किस तरीके से लिखेंगे। अ हॉबी, जो हॉबी होती है, एक शौक होता है, इज नेसेसरी, वो जरूरी होता है। नेसेसरी का मतलब होता है जरूरी है। टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ आवर लीजर, लीजर का मतलब होता है खाली टाइम, एक खाली समय, खाली समय। तो यहां पर ये बोला गया है कि अ हॉबी, एक जो शौक है, इज नेसेसरी, वो जरूरी है। शौक क्या होता है, वो जरूरी होता है। टू मेक द बेस्ट, एक सर्वोत्तम, सर्वोत्तम यूज होता है, इस्तेमाल होता है ऑफ आर लीजर, हमारे खाली समय का। तो शौक जो होता है वो खाली समय में यूज किया जाता है, उपयोग होता है उसका, तो बेस्ट टाइम होता है। आगे है माई हॉबी, जो मेरा शौक है, इज गार्डनिंग। गार्डनिंग का मतलब होता है जो बगीचों का शौक रखता हो, जो बगीचे वगैरह होते हैं जिसमें फूल होते हैं, फल होते हैं, तो गार्डनिंग उसको बोलते हैं बगीचा। क्या होता है, बगीचा। तो बगीचों को लगाना, बगीचों को पालना इनका शौक है, इनकी हॉबी है। हर किसी की अलग अलग होती है, जैसे खेलने का, जैसे खेलने की हॉबी अलग होती है, पढ़ने लिखने की हॉबी अलग होती है, इस टाइप से जो हॉबी होती है। व्हेन, जब आई सी, जब मैं देखता हूँ, ये सब्जेक्ट है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। जब मैं देखता हूँ अ फ्लावर, एक फूल को, इन ब्लूम, खिलते हुए। ब्लूम का मतलब होता है खिलना। क्या होता, खिलना। जब मैं एक फूल को खिलते हुए देखता हूँ, और वेजिटेबल, और एक सब्जी को, कमिंग इन टू अ स्टेट, जब मैं एक सब्जी को आते हुए देखता हूँ, कहाँ पर, स्टेट, स्टेट में। स्टेट का मतलब यहाँ पे ये दे रखा है, जो फूल और फल होते हैं जब वो अपने स्टेट में आ जाते हैं, मतलब वो बड़े हो जाते हैं, ओके, जब वो खिल जाते हैं, उसके बारे में बताया गया है। वेजिटेबल कमिंग इन टू अ स्टेट, आई फील, मुझे महसूस होता है ग्रेट प्लीजर, बहुत ज्यादा खुशी। प्लीजर होती है खुशी, तो मुझे क्या होती है, खुशी महसूस होती है जब फल और सब्जियां अच्छी हो जाती हैं, बनकर तैयार हो जाती हैं। इट गिव्स, यह मुझे देती हैं, क्या देती हैं, मी, मुझे फिजिकल एक्सरसाइज, शारीरिक, एक भौतिक, क्या देती हैं, एक्सरसाइज देती हैं, अभ्यास देती हैं, मतलब शरीर को अच्छा लगता है इन चीजों को खाने से। फ्रेश, ताजा मिलते हैं फ्लावर्स, फूल मिलते हैं, हमें ताजा फूल मिलते हैं फॉर वर्सी, पूजा के लिए, तो पूजा भी फूलों से होती है, तो पूजा के लिए ताजा फूल मिलते हैं। एंड और वेजिटेबल्स, और सब्जियां मिलती हैं टू ईट, खाने के लिए। अगर कोई गार्डनिंग का हॉबी रखता है, गार्डनिंग में अगर फ्लावर्स उगाता है, सब्जियां उगाता है, तो उसको अच्छी अच्छी सब्जियां खाने के लिए मिलेंगी, ताजा ताजा फ्रेश, और फ्लावर्स मिलेंगे, फूल मिलेंगे वर्शिप के लिए, पूजा के लिए। आई ऑल्सो, मैं भी, गेट फ्रेश, मैं भी फ्रेश फ्रूट्स, तो देखिए मुझे भी क्या मिलते हैं, एक ताजा फ्रूट्स मिलते हैं, ताजा फल मिलते हैं, लाइक जैसे पपाया, पपाया। अब देखिए गार्डनिंग हो रही है, तो वहां पे फलों में पपाया भी होगा, तो पपाया क्या मिलेगा, ताजा मिलेगा, उनको फ्रेश मिलेगा। आई वुड लाइक माई फ्रेंड्स, मेरे सारे जो सारे दोस्त हैं, हैव गार्डनिंग, वो गार्डनिंग करते हैं, उनको गार्डनिंग के शौक है, गार्डनिंग का शौक है, एज देयर हॉबी, उनकी क्या है, हॉबी है। तो आई वुड लाइक ऑल माई फ्रेंड्स, मेरे सारे के सारे जो दोस्त हैव गार्डनिंग, वो गार्डनिंग का उनका शौक है, एज देयर हॉबी, उनकी हॉबी है, उनका शौक है। तो इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, बस आपको इसके मीनिंग याद होने चाहिए। तो मीनिंग एक बार और देख लें, इसके मीनिंग कौन कौन से आपको याद करने हैं। देखिए इसमें जो आपको मीनिंग याद करना है वो कौन कौन से करने हैं, देखिए जैसे कि इसमें मीनिंग है इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना होता है, आपको पता ही है, हॉबी शौक होता है, और बेनिफिट फायदा होता है, नेसेसरी अच्छा वर्ड आया, इसका मतलब होता है जरूरी, क्या होता है, जरूरी, नेसेसरी जरूरी होता है, और लीजर होता है खाली समय, आपको कोई खाली समय होगा तो वो लीजर है। माई हॉबी, मेरा शौक, गार्डनिंग होता है, गार्डनिंग करना मतलब बगीचे में कोई चीज उगाना, बगीचे का शौक रखना, ठीक। आगे है फ्लावर, फूल होता है, ब्लूम होता है खिलना, ये अच्छा वर्ड है, ब्लूम का मतलब होता है खिलना। वेजिटेबल, सब्जी होती है।
फील का मतलब महसूस करना होता है, प्लीजर होती है खुशी, क्या होती है प्लीजर खुशी होती है। फिजिकल शारीरिक होता है, एक्सरसाइज क्या होता है व्यायाम होता है, फ्रेश ताजा होता है, फ्लावर्स फूल होती हैं, वार्षिक पूजा होती है, वेजिटेबल सब्जियां होती हैं, और फ्रेश होता है ताजा फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स पपाया पपीता होता है, और फ्रेंड्स गार्डनिंग द्वारा आ चुका है, और देयर मतलब उनकी। तो ये सारे के सारे अगर मीनिंग आपको याद है तो आराम से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं और अब ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, कर देते हैं हम इसको क्लीन। चलिए तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।